हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। ये पार्ट टू है, पार्ट वन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री से इस बार नीट 2020 में 2 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, आप लोग अच्छे से इसमें मेहनत करें और पढ़ें, और 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी टाइप का रहेगा। इसमें आपको टेंशन वाली कोई बात है नहीं, अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट वन जो लोग नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जाके दोस्तों, ठीक है। तो आज पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। कैटालाइटिक प्रोमोटर क्या होता है दोस्तों? कैटालाइटिक प्रोमोटर वो है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। इसका यहाँ पर एग्जांपल आपको मैंने याद रखना है। एग्जांपल क्या होगा वो याद रखना है, N2 नाइट्रोजन + 3H2 कैटालिस्ट और कैटालाइटिक के प्रेजेंस में क्या यहाँ पे फॉर्म कर रहा है? अमोनिया को रिलीज कर रहा है। ऑयल और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में? निकेल एज ए कैटालिस्ट और टेलुरियम एज ए कैटालाइटिक प्रोमोटर, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? वेजिटेबल घी को फॉर्म करेगा। यहाँ पर आप लोग का मेन एग्जांपल है, एग्जांपल को याद रखना है। ऊपर ये निकिल क्या किस टाइप से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे रिएक्शन है इसका? कैटालिस्ट के रूप में है। और यहाँ पर टेलुनियम जो है किसके इसमें है? कैटालाइटिक के फॉर्म में है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैटालाइटिक पॉइजन क्या होता है? ये डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट या स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट होता है ये, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस होता है। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, PdCaCO3 जो है कैटालिस्ट के फॉर्म में है और CH3COOH2SPb कैटालिटिक पॉइजन के रूप में है। जब रिएक्ट होता है तो इथिन को फॉर्म करता है। रोजमेंट रिएक्शन आप लोग नाम से जानते होंगे, इसे एसीटाइल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ पर PdCaCO3 या CH3COOH2SPb या PbBSO4 जो रोजमेंट रिएक्शन है, इसको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? लिंडलार्स कैटालिस्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एम्स एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि लिंडलार्स कैटालिस्ट में कौन कौन से ये हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इसमें Na2Al2Si2O2 डॉट वाटर या MX/NaLO2×SiO2×Mn.W ये किसका फॉर्मूला है? तो जियोलाइट्स का फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता होगा कि जियोलाइट्स होता क्या है? जियोलाइट्स आर नेचुरली सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट होता है बिकॉज द कैटालिस्ट रिएक्शन डिपेंड ऑन पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। और इसका एक और फॉर्म है, जियोलाइट्स आर वेरी गुड सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट बिकॉज ऑफ दियर हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ होल्स एंड टनल्स। यहां पर जियोलाइट्स आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो क्या है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, Ca+2+ Mg+2+ का फॉर्म है ये शो कर रहा है। यहाँ पर आप स्मॉल एन जो है वैलेंसी ऑफ कैटाइन है और स्मॉल एम जो है वाटर ऑफ कैटालाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। ZSM5 जो है यह जो है अल्कोहल को कन्वर्ट करता है गैसोलीन में। ZSM5 जो है किसको कन्वर्ट किस में करता है? अल्कोहल को कन्वर्ट करता है गैसोलीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ पोर्स क्या होता है? साइज ऑफ पोर्स जो होता है इसका 260 पिकोमीटर से लेकर 740 पिकोमीटर तक हो सकता है, ये दोनों के बीच में ही रहेगा, बिटवीन। अब आते हैं इंजाइम के बारे में जानते हैं, बायो कैटलिस्ट या इंजाइम आर द कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनस सब्सटेंस केमिकली इट इज़ प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। इट्स मॉलिकुलर मास इज 15,000 to 10 lakh g/mol। इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय 10 पे पावर 8 टू 20 टाइम्स। यहाँ पर आपको ये फॉर्म याद रखना होगा दोस्तों कि कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन में काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ही आ सकता है। और जो यहाँ से ज़्यादा आने का चांस है, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यहाँ से रहेगा। यहाँ पर आपको ये याद रखा कौन सा एंजाइम किस रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। यूरिया से अगर हमको अमोनिया में जाना है तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होगा? यूरिएज एंजाइम होगा। और स्टार्च से हमको अगर ग्लूकोज में जाना है तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज होगा? एमाइलेज और टाइलिन यूज होगा। फैट से अगर हमको फैटी एसिड पर जाना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? लाइपेज एंजाइम यूज होगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन को अगर एमिनो एसिड में जाना है तो पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजेन एंजाइम यूज होगा या पेप्सिन एंजाइम यूज होगा। ये एसिडिक मीडियम में होता है और स्टोमेक में ये पाया जाता है। प्रोटीन को अगर एमिनो एसिड में जाना है तो एल्केलाइन मीडियम में जो है, ये एल्केलाइन मीडियम में कहाँ पर पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ट्रिप्सिनेज एंजाइम यूज होगा यहाँ पर। अगर मिल्क से कर्ट तक जाना है तो लैक्टोबैसिलेज एंजाइम का यूज होगा, लैक्टोबैसिलेज एंजाइम का यूज होगा। स्टार्च टू अगर इथेनॉल जाते हैं तो यहाँ पर तीन एंजाइम का यूज होता है, डीएमजेड का यूज होता है। स्टार्च टू अगर इथेनॉल जाते हैं तो डीएमजेड का होगा यूज यहाँ पे। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखना है, C6H10O5 N+ वाटर। यहाँ पर बस स्टार्च का फॉर्मूला याद रखना है। स्टार्च से अगर माल्टोज पे जाते हैं तो डाइएस्टेज एंजाइम का यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, डाइएस्टेज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम बाय पाइन के द्वारा सबसे पहला एंजाइम ये खोजा गया था, डाइएस्टेज। सबसे पहला एंजाइम कौन सा खोजा गया था, डाइएस्टेज खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें, शुगर C12H22O11 से अगर हमको ग्लूकोज में जाना है तो माल्टेज एंजाइम का यूज होगा। अगर C6H12O6 ग्लूकोज से अगर हमको इथेनॉल में जाना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, जाइमेज एंजाइम यूज होगा। यहाँ पर यीस्ट होगा दोस्तों, ये यीस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, डीएमजेड स्टार्च टू इथेनॉल तो डीएमजेड, डाइएस्टेज माल्टेज जाइमेज एंजाइम का यूज होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर मोलासिस से अगर हम लोग को ग्लूकोज या फ्रैक्टोज में जाना है तो इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होगा। और C6H12O6 अगर इथेनॉल से जाना है तो जाइमेज एंजाइम यूज होगा यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। हाई इफिशियंसी, वन मॉलिक्यूल ऑफ बायोकैटलिस्ट ट्रांसफर 1 मिलियन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट पर मिनट। एक मॉलिक्यूल जो है 1 मिलियन रिएक्ट्स को 1 मिनट में ट्रांसफर कर रहा है, पर मिनट ट्रांसफर कर रहा है दोस्तों। ये हाई इफिशियंसी है। इसमें हायर मॉलिक्यूल्स मासेज सब्सटेंसेस होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज बाय द ऑन एंजाइम, एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज बाय द ऑन एंजाइम। आगे बढ़ते हैं, इसका टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसका हो सकता है 25-35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन में इसको चेंज कीजिएगा 298 केल्विन to 310 केल्विन होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका रेंज आपको याद रखना है, रेंज में 25-50 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, मे बी आपको रेंज भी याद रखना है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका पीएच जो है 5 से लेके 7 के बीच में हो सकता है। ये वेरी वेरी डाइल्यूट एसिडिक मीडियम के होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर दी सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स और को एंजाइम। एक्टिवेटर्स को ही को एंजाइम कहते हैं। क्या है इसको फिर से पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स द एंजाइम द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ बायो कैटलिस्ट आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स या को एंजाइम। इसका फॉर्म जो है प्रेजेंस ऑफ विटामिन के फॉर्म में हो सकता है, सोडियम आयन, मैग्नीज आयन, कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन, ये फॉर्म है, ठीक है। कैटालाइटिक इनहिबिटर क्या होता है, कैटालाइटिक इनहिबिटर रिड्यूस, कैटालाइटिक इनहिबिटर रिड्यूस या डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। ये रिड्यूस कर सकता है या बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट को ये बर्बाद भी कर सकता है। Pb+2, Arsenic+3, Hg+2, साल्ट आर एक्टेज, ये जो है ये सब हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल है, सॉरी यहाँ पे एक ग्राफ है, देख सकते हैं ग्राफ आपका, एंजाइम टेम्परेचर जो है इसका हाईएस्ट कहाँ पे होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पीएच जो है 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाईएस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, कोलाइड्स क्या होता है, कोलाइड्स थॉमस ग्राहम वाज नाउन एज फाउंडर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री। कोलाइडल केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, थॉमस ग्राहम को कहा जाता है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला के क्या बनता है, कोलाइड्स बनता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला के क्या बनता है, कोलाइड्स बनता है। डिस्पर्स फेज जो होता है लेस क्वांटिटी होता है इसका मतलब, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है ये मोर क्वांटिटी होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिला दिया जाए तो ये एक हेट्रोजीनस को फॉर्म करता है, एक हेट्रोजीनस के फॉर्म में हो जाता है।
कोलाइड्स क्या किसके फॉर्म में होता है, यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनस सिस्टम फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। व्हेन मीडियम इज लिक्विड, जब मीडियम को लिक्विड रखा जाता है तो कोलाइड जो है सॉल के फॉर्म में होता है। व्हेन मीडियम इज लिक्विड देन कोलाइड्स आर नाउन एज सॉल। यहाँ पर वाटर देख रहे हैं, वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है तो इसको हाइड्रोसॉल कहेंगे, अल्कोहल जो है अल्कोसॉल कहेंगे, बेंजीन को बेंजोसॉल कहेंगे। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, जब डिस्पर्सन मीडियम गैस रखा जाए तो कोलाइड्स को क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं, कोलाइड्स का साइज कितना हो सकता है, 10^-9 to 10^-7 meter, 10^-7 to 10^-5 centimeter एंगस्ट्रॉम में है, नैनोमीटर में, आप लोग को ये वैल्यू याद रखना होगा। साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन का साइज कितना हो सकता है, 10^-7 centimeter to 10^-9 meter। साइज ऑफ सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल, ये एम्स में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों, ये एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, 10^-5 to 0.2 centimeter तक साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल होता है। लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है और लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होता है, लायोफिलिक लायोमिस क्या होता है, यहाँ पे लायोमिस होता है ये सॉल्वेंट या लिक्विड, फिलिक मिस होता है लविंग, इजीली मिक्सचर विद सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ इजीली मिक्सचर मिक्स हो जाता है। इसका जो है कुछ प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, ये लायोफिलिक कोलाइड्स जो है स्टेबल होता है, साइज इसका बहुत बड़ा होता है, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी दोस्तों, इसका एग्जांपल आपको याद रखना होगा, इसका एग्जांपल हो गया स्टार्च, गम, जिलेटिन, प्रोटीन, ईटीसी एग्जांपल, लायोफिलिक हो गया। आगे बढ़ते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोमिस क्या होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है, या फोबिक मिस हीटिंग, नो इजीली मिक्स्ड विद सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ इजीली मिक्स नहीं हो सकता है। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, नो इंट्रैक्शन, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर होते हैं, स्मॉल साइज होता है इसका, इसका एग्जांपल हो गया सोल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल याद रखना है, इसका प्रॉपर्टी याद रखना है, क्योंकि डिफरेंस पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और आया हुआ भी है नीट में, नीट एग्जाम में आया हुआ भी है दोस्तों। ऑयल इन वाटर, आगे बढ़ते हैं इसमें, ऑयल इज डिस्पर्स फेज, वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क, वेनिशिंग क्रीम। आगे बढ़ते हैं, वाटर इन ऑयल हो तो वाटर इज डिस्पर्स फेज हो जाएगा, वाटर जो है डिस्पर्स फेज हो जाएगा, ऑयल जो है डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। इसका एग्जांपल याद रखना है, कोल्ड क्रीम, कॉड लीवर ऑयल। ब्लड जो है कोलाइड्स होता है दोस्तों, ब्लड इज कोलाइड्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, ब्लड हो जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे, बॉटनिस्ट थे, इसको सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, ये बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड बाय सेल न्यूक्लियस, ये ब्राउनियन मूवमेंट को भी सबसे पहली बार डिस्कवर्ड किया था। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट्स क्या होता है, जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइड पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो है टाइप्स ऑफ कोलाइड है, टाइप्स ऑफ कोलाइड को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अपलोड करने में वीडियो को थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए दोस्तों टाइप्स ऑफ कोलाइड को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप पार्ट टू को एंजॉय कीजिए, पार्ट थ्री जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सबको अच्छा से पढ़ लें, ऑडियो को ही आप एकदम ठीक से सुन लें तो आप लोग का पूरा रिवाइज हो जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद जो है हम लोग सोच इसमें जो है मेटलर्जी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है इसमें लगभग 12 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सरफेस केमिस्ट्री लगा के 12 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ कोलाइड सिस्टम में दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।